हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू कवर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है, फाइनेंशियल डिसीजन, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट फिनांसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन आर ऑल इंटर रिलेटेड, कमेंट एंड जस्टिफाइड। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये तीनों डिसीजन जो है किस तरह से इंटर रिलेटेड है, तो क्या इसके पीछे लॉजिक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडिसन ऐप जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन और ऑल इंटर रिलेटेड, कमेंट एंड जस्टिफाई। ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे वो बीबीए के लेवल का है, चाहे वो एमबीए के लेवल का है, चाहे वो एमकॉम के लेवल का है, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। देखो फाइनेंशियल डिसीजन जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो बिजनेस ये फाइनेंशियल मैटर्स है, ये डिसीजन उनके साथ डील करते हैं। देखो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं, वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह के एसेट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से हमने जो हमें प्रॉफिट होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पार्ट हमने रिटेन करना है। तो जो एक फाइनेंशियल डिसीजन एफिशिएंट होता है उससे शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होती है, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज होती है। बट अगर वो पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है तो उससे शेयर प्राइसेस कम होती है और शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो डिक्रीज होती है। फाइनेंशियल डिसीजन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच डिसीजन। तो इसको हम इस तरह से ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि जब फर्म जो है निवेश करने का सोचती है तो वो देखती है कि उसने टोटल अमाउंट जो है एसेट के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एसेट की कंपोजिशन क्या है और फर्म जो है उसको अगर वो इन एसेट के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उनके साथ बिजनेस रिस्क कितना जुड़ा हुआ है। जब भी एक फर्म जो है डिसाइड करती है कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाने हैं तो वहां पे बिजनेस रिस्क क्या है। उसी तरह देखो जब फंड, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट भी होती है और यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट होता है, जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, तो उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि फिक्स एसेट के अंदर होते हैं, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी जनरेट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कह देते हैं, जो हमारी फर्म की डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ रिलेट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह देते हैं। देखो यहाँ पे जो फंड्स हमने लगाने हैं फिक्स एसेट के अंदर लगाने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाने हैं, और यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर हमने पैसे लगाने हैं क्योंकि फिक्स एसेट के अंदर पैसा हम आज लगाएंगे लेकिन वो फिक्स एसेट जो है हमें कई सालों तक बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि किस तरह के हम एसेट परचेज करते हैं उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है प्रभावित होती है। और ये जो फिक्स कॉस्ट के, जो फिक्स एसेट के अंदर हम पैसा लगाते हैं, बहुत सारा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और ये डिसीजन हमें बहुत सोच समझ के लेना होता है क्योंकि ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी और बहुत सारा अमाउंट जो है आज की डेट में कमिट करते हैं, तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। अगर गलत ले लिया तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिनांस मैनेजर जो है जब वो डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट का तो वो हर एक प्रोजेक्ट की जो है प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करता है, पैसे लगाने से पहले देखता है कि कौन सा वायबल प्रोजेक्ट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के, कैपिटल बजटिंग के अंदर वेरियस मैथड्स हैं जिसके द्वारा वो इन चीजों को असेस करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जैसे जो भी प्रोजेक्ट है उस पर कितना कैश आएगा, कितना कैश उसका जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जब पैसे लगाएंगे तो वहां से हमें कितना कैश का इनफ्लो जनरेट होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी।
तो उसी तरह अदर जो चीजें होती है कि वो बिजनेस जो है हमारा मार्केट के नजदीक कितना है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, चीप लेबर कितनी अवेलेबल है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, इसके अंदर काफी पैसा इन्वॉल्व होता है और हमारी अर्निंग जो है वो भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है। उसी तरह एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं ये वर्किंग कैपिटल के साथ होते हैं, जो डे टू डे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, लेबर को पे करना है, तो ये उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कितना कैश हमने बैंक में रखना है, कितना कैश हमने अपने पास रखना है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं ये है कि फंड हमने कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट, कितना कैश जैसे हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो पैसा हमारा डेबिट के अंदर ब्लॉक हो जाता है, प्रोडक्शन से पहले हमें स्टॉक खरीदना पड़ता है, तो इस वजह से हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और इनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं कि करंट एसेट के अंदर हमने पैसा कितना एलोकेट करना है, कितना कैश इन हैंड, कितना कैश एट बैंक रखना है, कितना स्टॉक रखना है, कितना क्रेडिट पे हमने देना है, तो कितने डेज का क्रेडिट देना है, और ये हमारी जो है डे टू डे वर्किंग की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी वो होती है जिससे हम अपने कैश की सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक को हम सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसी तरह फिनेंसिंग डिसीजन, देखो जब हमने डिसीजन ले लिया कि हमने एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, इतना हमने फिक्स एसेट के करना है, इतना हमने शॉर्ट टर्म करंट एसेट के अंदर करना है, उसके बाद हमने देखना होता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने यहाँ पे एस्टिमेट कर लिया कि हमारी ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, फिर उसमें हम देखते हैं कि ये फिनांस कहाँ से करना है। तो फिनेंसिंग डिसीजन जो होते हैं, डिसीजन अबाउट द क्वांटम ऑफ फिनांस दैट टू बी रेज फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड द शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने पैसा रेज करना है हमारे पास क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं, कितना पैसा हमने शॉर्ट टर्म सोर्स से करना है, और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, तो हर एक सोर्स से हमने कितना पैसा रेज करना है। उसी तरह फर्म जो है रेगुलरली जो है जब एक्सपेंशन करती है या डाइवर्सिफिकेशन करती है तो वो न्यू इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहां पे उनको फिनेंसिंग का जो डिसीजन है वो लेना पड़ता है। तो फिनेंशियल डिसीजन जो होते हैं कि हम ये तो देखते हैं कि क्या हमारे सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें बेस्ट फिनेंसिंग हो सकती है, पर उसी तरह हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल मिक्स ऑफ फिनेंसिंग है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सोर्सेज ऑफ फंड जैसे ऑनर्स फंड हैं, जैसे शेयर्स इश्यू कर सकते हैं फर्म के, अगर एग्जिस्टिंग फर्म है तो उसका जो रिटेन अर्निंग है तो ये परमानेंट बेसिस पे अवेलेबल होता है। बोरोड फंड जो होते हैं जैसे लॉन्ग टर्म, जैसे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, तो ये लाइबिलिटीज होती हैं, इनकी हमारे ऊपर हमेशा जो होती है इंटरेस्ट की तलवार लटकती होती है कि बोरोड फंड पे हमने इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे इंटरेस्ट जो होता है डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है जिससे टैक्स लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, और लेकिन जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमने पे करना है तो उसका हमेशा जो है फाइनेंशियल रिस्क उसके साथ अटैच होता है। तो फिनांस मैनेजर जो है उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना उसे डेट से लेना है, कितना उसे इक्विटी से लेना है। फिनांस मैनेजर जो हैज टू डिसाइड हाउ मच फंड फ्रॉम द बोरोड सोर्सेज एंड फ्रॉम द ऑनर सोर्सेज। ऑनर फंड जो होते हैं वो परमानेंट बेसिस पे होते हैं क्योंकि वहां पे कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं होती कि हमने डिविडेंड देना ही देना है, बट बोरोड फंड जो होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, और उनके साथ क्या होता है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, वो हर हाल में हमें देनी पड़ेगी। तो फिनांस मैनेजर को देखना पड़ता है कि कितना उसे डेट से लेना है, कितना उसने इक्विटी से लेना है, तो उसने यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिन करना होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। देखो जब कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है दैट इज नोन एज ए डिविडेंड। तो यहाँ पे भी एक कंपनी को डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना उसने डिविडेंड पे करना है, कितना उसने रिटेन करना है, क्योंकि अगर वो रिटेन करती है तो कल को अगर वो एक्सपैंड करती है तो उसको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। बट उसी तरह क्या होता है कि अगर वो डिविडेंड हाई रेट पे करती है तो उससे शेयर होल्डर की जो शेयर की प्राइसेस हैं वो जंप कर जाती है, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है। तो डिविडेंड डिसीजन लेने के ऊपर देखना पड़ता है कि हमने डिविडेंड जो है डिविडेंड पॉलिसी देखने से पहले हमें देखना पड़ता है कि डिविडेंड जो है कितना हमने मतलब हर साल कॉन्स्टेंट वे से पे कर रहे हैं,
तो वो सारी चीजें जो है हमने इसके अंदर असेस करनी होती है। इसी तरह हमने ये भी देखना होता है कि फर्म की जो एक्सपेंशन नीड्स है वो किस तरह की है, तो सारी चीजें देख के डिसीजन लेना पड़ता है कि इतना हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है, कितना हमने रिटेन करना है। उसी तरह हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनांसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, तो जिसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये इंटर रिलेटेड है। देखो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन जो है ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंड करते हैं। जैसे देखो हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है। देखो अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आता है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने पैसा निवेश करना है, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास फाइनेंस कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। ये जो डिसीजन है इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो यहाँ पे हम आइसोलेशन में नहीं ले सकते। जैसे फाइनेंसिंग, देखो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फाइनेंस देखना पड़ता है, और फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है वो डिविडेंड डिसीजन से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि कितना हमने डिविडेंड पे करना है, कितना हमारे पास जो फंड्स है रिटेन प्रॉफिट के फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो इन केस द प्रॉफिट्स आर रिटेन फॉर फाइनेंसिंग द प्रॉफिट, तो वहां पे जो डिविडेंड है उसके लिए अमाउंट कम हो जाएगा। तो एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको हर एक डिसीजन जो है उसको कंसिडर और इवेल्युएट करना पड़ता है, उसका ज्वाइंट जो है इम्पैक्ट जो है शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर देखना पड़ता है। उसी तरह रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो यहाँ पे जब वेरियस सोर्सेज से हम फंड्स रेज करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म जो है वो भी इंक्रीज करे, और फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो भी हमारी जो है इंक्रीज करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम ये फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है, और किस तरह से ये जो डिसीजन होते हैं मार्केट वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करते हुए जो डिसीजन है वो ऑप्टिमम लेते हैं।